ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग द डेटाबेस इंस्टेंस। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, हमने जो मैनेज करना होता है, एक तो डेटाबेस इंस्टेंस को, एक लिसनर को हमने मैनेज करना होता है, और जो मैनेजमेंट इंटरफेसेस हैं वो डेटाबेस कंट्रोल है हमारे पास, जिसको ग्रिड कंट्रोल भी कहा जाता है, या ग्रिड कंट्रोल के थ्रू ऑप्शन भी अवेलेबल है, या फिर इंटरप्राइज मैनेजर जिसको आप कहते हैं वो भी अवेलेबल है। ठीक है, वेब बेस्ड टूल है जिसके थ्रू आप मैनेज करते हैं, और डेटाबेस कंट्रोल आपका स्टैंड अलोन भी हो सकता है और ग्रिड बेस्ड भी हो सकता है, देखेंगे आगे चल के। एंड देन मैनेजमेंट एजेंट होता है अगर आप ग्रिड बेस्ड उसको यूज कर रहे हो। इंटरप्राइज मैनेजर उसको जरा देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे पहले। अच्छा, इंटरप्राइज मैनेजर के लिए जरूरी है कि आपकी डेटाबेस अप एंड रनिंग हो। अच्छा, डेटाबेस अप एंड रनिंग करने के लिए आपको डेटाबेस में जो मोस्ट पावरफुल यूजर्स हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर डेटाबेस शटडाउन स्टार्टअप को देखते हैं और फिर इस पे आते हैं। अच्छा, डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं डीबीसीए के थ्रू, या फिर आप कमांड लाइन से क्रिएट करें, या ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए साथ ही स्टार्टर डेटाबेस आपने क्रिएट कर दी, तो बाय डिफॉल्ट कुछ यूजर्स बन जाते हैं, जिसमें से एक मोस्ट पावरफुल यूजर है, दैट इज सिस। ठीक है, इसको प्रिविलेज मिली हुई है सिस डीबीए, ये सिस्टम प्रिविलेज है। जी, सिस फाइल यूज होती है विंडोज में, इसलिए सिस्टम के लिए। जी, सिस डीबीए सिस यूजर है, उसका पासवर्ड एक फाइल में स्टोर हुआ होता है जिसको पासवर्ड फाइल कहते हैं। सिस फाइल के नाम से तो कोई फाइल नहीं है। ठीक है, सिस यूजर बाय डिफॉल्ट मोस्ट पावरफुल यूजर है, और इसको सिस डीबीए की प्रिविलेज मिली हुई है, और एक और प्रिविलेज भी है सिस ऑपर के नाम से, ये भी डेप्रिकेट हो जाएगी, मे बी होगी सिस डीबीए की प्रिविलेज होती है नॉर्मली इसके पास। ठीक है, और इसके पास डीबीए का रोल भी होता है, ये दो सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टम प्रिविलेजेस हैं और ये डीबीए का रोल होता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल यूजर जो नई डेटाबेसेस क्रिएट कर सकता है, डेटाबेस ड्रॉप कर सकता है, डेटाबेस को शट डाउन कर सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, बैकअप कर सकता है, रिकवरी कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा लेस पावरफुल यूजर है हमारे पास एक सिस्टम डीबीए, एक रोल है। ठीक है, दिस इज अ रोल है, ये एक यूजर है, ये प्रिविलेज है, दिस इज नॉट अ रोल, दिस इज अ प्रिविलेज। ठीक है, प्रिविलेज और रोल में डिफरेंस होता है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल ध्यान में ये रखें कि डीबीए इज अ रोल। रोल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रिविलेज, ग्रुप ऑफ प्रिविलेज को आप एक रोल कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस आ जाते हैं। हाँ, तो ये सिस डीबीए सिर्फ एक प्रिविलेज है, ये रोल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिविलेज है। ठीक है, ये प्रिविलेज किसी के पास आ जाए तो क्या कर सकता है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिस डीबीए इज अ प्रिविलेज, सिस्टम प्रिविलेज है, और डीबीए इज अ रोल, रोल मीन्स के ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस, बहुत सारे प्रिविलेजेस हो सकते हैं। अच्छा, आप अपने रोल भी बना सकते हैं, बने बनाए रोल भी हैं डेटाबेस के अंदर। देन एक यूजर है कि सिस्टम के नाम से लेस पावरफुल यूजर है, इसके पास डीबीए का रोल होता है। हाँ, सेट ऑफ प्रिविलेजेस हैं, ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस हैं, इसको डीबीए का रोल मिला होता है। जिसको आपने डीबीए का रोल दे दिया वो पावरफुल यूजर बन जाता है, मोस्ट पावरफुल तो नहीं लेकिन पावरफुल यूजर बन जाता है। वो नए यूजर्स क्रिएट कर सकता है, वो टेबल स्पेसेस क्रिएट कर सकता है, वो टेबल्स ड्रॉप कर सकता है, किसी का भी डाटा देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, स्टॉप स्टॉप नहीं कर सकता, बैकअप एंड रिकवरी के ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठीक है, डेटाबेस ड्रॉप क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिस यूजर कर सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम यूजर है। देन आप अपने यूजर्स बहुत सारे बना लेते हैं। नॉर्मली जो डीबीएज हैं, डीबीए, ठीक है, आपके पास इन दोनों की एक्सेस होती है, आपके पास सिस अकाउंट भी होता है और आपके पास सिस्टम अकाउंट भी होता है। नॉर्मल ऑपरेशन नए यूजर्स बनाना, उनको पासवर्ड चेंज करना, उनका अकाउंट अनलॉक करना, उनका अकाउंट लॉक करना, सिक्योरिटी की सेटिंग्स करना, ये सारा काम आप सिस्टम यूजर से करते हैं, सिस से भी कर सकते हैं आप। और अगर आपने डेटाबेस को शट डाउन करना हो,
स्टार्टअप करना हो, बैकअप लेना हो, रिकवरी करनी हो, कोई एडवांस्ड ऑप्शंस कंफिगर करने हो, तो फिर आपसे सीओ से लॉग इन होते हैं, अदरवाइज आपसे सीओ से लॉग इन नहीं होते। हाँ, इसका सिस यूजर है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर यूजर, ओके, जो कि डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए यूज होगा, नॉर्मली आप सिस्टम यूजर से लॉग इन होते। अच्छा, फिर एक और यूजर 10G ऑनवर्ड है सिसमैन के नाम से, इसको भी डीबीए का रोल मिला होता है, वो भी बहुत सारे सेट ऑफ प्रिविलेजेस होती हैं इसके पास, और ये इसमें इंटरप्राइज मैनेजर की रिपोजिटरी क्रिएट होती है। रिपोजिटरी किसे कहते हैं, व्हाट इज रिपोजिटरी, उसकी डिटेल सारी जा रहा है इसमें, सारा डेटा स्टोर है, देखिए रिपोजिटरी से क्या मुराद है, लेमेन टर्म में बताएं, डेटाबेस की लैंग्वेज में ना बताएं, एक स्टोरेज एरिया। डेटाबेस के केस में क्या होगा, वो टेबल्स होंगे, सर ये परमानेंट होगा, हाँ वेयर हाउस, हाँ वो भी देखिए, वेयर हाउस भी तो एक रिपोजिटरी है ना, रिपोजिटरी का मतलब एक स्टोरेज एरिया, फाइल सिस्टम के ऊपर अगर आप रिपोजिटरी कहेंगे तो एक फाइल होगी कोई, डेटाबेस के केस में रिपोजिटरी कहेंगे तो वो कोई टेबल्स होंगे, ठीक है, तो ईएम की रिपोजिटरी इस यूजर के अंडर स्टोर होती है, इस यूजर की ओनरशिप में होती है, इसके स्कीमा में होती है, ठीक है, ईएम को देखते हैं जरा। अच्छा, इंटरप्राइज मैनेजर हर डेटाबेस के साथ 10G ऑनवर्ड आपके हर डेटाबेस के साथ इंटरप्राइज मैनेजर कंफिगर हो सकता है, अगर आप कंफिगर करें तो, बाय डिफॉल्ट वैसे इनेबल्ड होता है, लेकिन अगर आप क्रिएशन के वक्त उस ऑप्शन को अनचेक कर लें तो क्रिएट नहीं होगा, बाद में क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। इंटरप्राइज मैनेजर को मैनेज करने के लिए एक यूटिलिटी है EMCTL, इंटरप्राइज मैनेजर कंट्रोल, ये एक यूटिलिटी है EMCTL, जिसके थ्रू आप इंटरप्राइज मैनेजर को स्टार्ट स्टॉप या उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर को यूज करने से पहले जरूरी है कि आपकी डेटाबेस स्टार्टेड हो। अच्छा, सिस यूजर से जब आप कनेक्ट होना चाहें, एसको प्लस लिख के एंटर करें, यूजर नेम आपसे पूछेगा, अगर आप सिस यूजर से कनेक्ट होंगे तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, सिस एस सिस डीबीए कनेक्ट करें, हमेशा सिस के साथ हमेशा आपने एस सिस डीबीए जरूर देना है, सिस यूजर बगैर एस सिस डीबीए को कनेक्ट नहीं हो सकता, ये याद रखना है। रीजन ये है कि सिस यूजर आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप यू आर सपोज टू मैनेज और यू आर सपोज टू यूज प्रिविलेज टास्क, ठीक है, ये प्रिविलेज टास्क आप करने जा रहे हो, हाँ आपको ताकि आपको बताओ कि आप सिस यूजर से लॉगिन हो रहे हैं, और अगर सिंपली आप सिस उसका पासवर्ड दे दें, सिस्टम यूजर को आप इस तरीके से कनेक्ट नहीं करते हैं, आप करते हैं सिस्टम और उसका पासवर्ड दे देते हैं, सिंपली वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जब सिस के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हो तो एस सिस डीबीए देना पड़ता है, ना देंगे तो वो कनेक्ट ही नहीं होने देगा, ये इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया गया है ताकि यू शुड नो कि आप सिस यूजर से कनेक्ट होने जा रहे हैं, वो सिस यूजर से नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप हर काम सिस यूजर से लॉगिन होकर करें, वो जो काम सिस्टम से लॉगिन होकर कर सकते हैं वो सिस से भी होकर किया जा सकते हैं, तो सिस यूजर प्रिविलेज टास्क जब आप परफॉर्म करने जा रहे हो तो तब आप कनेक्ट करें, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया गया कि आप इसको कनेक्ट करें तो आपको पता चल रहा हो कि आप सिस यूजर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिस है सिस टीपी लिख के एंटर करें और उसका पासवर्ड दे दें, आप कनेक्ट हो जाएंगे सिस यूजर से। दूसरा तरीका यह है कि ये तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, आप ये भी कर सकते हैं कि एसक्यू प्लस और स्लैश एसएसएस डीबीए करते हैं, ये पासवर्ड नहीं मांगेगा इस केस में आपसे, स्लैश एसएसएस डीबीए का मतलब है कि आपने ओएस ऑथेंटिकेशन यूज किया, सिस यूजर डेटाबेस से उस वक्त भी कनेक्ट हो सकता है जब डेटाबेस डाउन हो, ठीक है, मैं इसको डेटाबेस को डाउन करता हूं, शटन बर्ड कर देता हूं ताकि जल्दी डाउन हो जाए, अब डेटाबेस डाउन है मेरी। अच्छा, डेटाबेस डाउन होगी तो आप, मैं किसी यूजर से कनेक्ट होता हूँ, मैं करता हूँ जी सिस्टम से कनेक्ट होता हूँ, एरर दे दिया उसने, उन्होंने कहा जी ओरेकल नॉट अवेलेबल, शेयर्ड मेमोरी रिलेम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डेटाबेस डाउन है तो कोई भी यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता, इवन सिस्टम यूजर भी कनेक्ट नहीं हो सकता। तो डेटा डिक्शनरी हमने थोड़ी सी शायद डिस्कस की थी, डेटा डिक्शनरी क्या होती है, हाँ डेटा अबाउट डेटा या डेटा अबाउट डेटा बेस, वो डेटा डिक्शनरी है, वो आपकी डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर होती है, वो डेटा फाइल्स एक्सेसिबल तब होती है जब डेटा बेस अप एंड रनिंग हो, ठीक है, मेटा डेटा, ठीक है, एक्चुअल सर हम इसको मेटा डेटा कहते हैं। अब आपके सारे यूजर्स डेटा बेस के अंदर से ऑथेंटिकेटेड हैं,
एक टेबल बना हुआ है डेटाबेस में, यूजर नेम है उसका, पासवर्ड है उसकी, और बहुत सारी ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन है, जब भी यूजर लॉगिन होता है वहां से जाके ऑथेंटिकेट होता है यूजर, ठीक है, पासवर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल। अब कोई भी यूजर डेटाबेस से लॉगिन नहीं हो सकता जब डेटाबेस डाउन हो। अच्छा, सिस एक ऐसा वाहिद यूजर है जो डेटाबेस उस वक्त भी लॉगिन हो सकता है जब डेटाबेस डाउन हो। सिस यूजर डेटाबेस से ऑथेंटिकेट नहीं होता। हाँ, ये डेटाबेस के बाहर से ऑथेंटिकेट होता है, ठीक है, ये दो तरीकों से ऑथेंटिकेट हो सकता है, बाय डिफॉल्ट या ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑथेंटिकेट होता है, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप पासवर्ड फाइल्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड फाइल से ऑथेंटिकेट हो जाए, उसमें उसका पासवर्ड सेव होगा लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ये बताएंगे सर आगे? हाँ बिल्कुल। देखें अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलकर जाके हम परफॉर्म करेंगे, मैं भी इसी चैप्टर में आगे आ रहा हूं। तो देखें ओएस ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है। ओएस पे एक यूजर आपने बनाया है जी, लेट्स से ओरेकल के नाम से, आप चाहते हैं ओरेकल के नाम से जो यूजर ओएस पे बनाया है, जब ओएस पे लॉगिन हो जाए वो डेटाबेस में लॉगिन होने के लिए पासवर्ड ना दे, उस ओएस के ओरेकल यूजर को आपको अलाउ करना पड़ेगा कि वो जब ओएस में चला जाए तो फिर डेटाबेस में लॉगिन होने के लिए वो पासवर्ड ना दे, उसको कहते हैं ओएस ऑथेंटिकेशन। ये बाइट वाली नेबल होती है। अगर हम रिमोटली उस सिस्टम एक्सेस करें उसी यूजर फिर भी हो जाएगा? नहीं, देखिए दो तरह के रिमोट, हाँ मीन्स के अब दो, ये भी दो तरह के, आप ये भी कर सकते हैं कि रिमोट, उसको कहते हैं रिमोट ओएस ऑथेंटिकेशन। एक होती है लोकल ओएस ऑथेंटिकेशन जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, रिमोट ओएस ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है और डिसेबल्ड ही होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज कोई भी यूजर आ गया और एक पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बन गया, वो किसी भी मशीन पे लॉगिन हो गया, डेटाबेस में लॉगिन होने के लिए बगैर पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। रिमोटली जब भी सिस यूजर लॉगिन होगा डेटाबेस के साथ, उसको हमेशा पासवर्ड देना पड़ेगा, बगैर पासवर्ड के लॉगिन हो ही नहीं सकता, पहली बात ये। और जो ओएस ऑथेंटिकेशन होती है दैट इज फॉर लोकल यूजर, आपने अपने नाम से एक यूजर बना लिया, उसको डीबीए का एक ग्रुप होता है बाय डिफॉल्ट, उसका पार्ट बना दें, उसको सर्टन राइट्स दे दें, एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना होता है, वो डेटाबेस जब वो ओएस पे लॉगिन हो जाएगा उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जिस पे आपका डेटाबेस है उस पे लॉगिन हो जाएगा, डेटाबेस में लॉगिन होने के लिए उसको पासवर्ड की जरूरत होती है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, आपको डिसेबल करना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं अभी चल के देखते हैं। सर बाय डिफॉल्ट ये कि ओरेकल का यूजर होगा तो वो नहीं, आप जिस यूजर से आपने इंस्टॉलेशन की है, लेट्स से आपने ओरेकल के नाम से यूजर बना के उसके थ्रू इंस्टॉलेशन की है, टेस्ट के नाम से यूजर बनाया उसके थ्रू की है, किसी भी यूजर के थ्रू इंस्टॉलेशन की है, जिस यूजर के थ्रू आपने इंस्टॉलेशन की है उस यूजर के लिए वो ऑथेंटिकेशन इनेबल होती है, वो यूजर डेटाबेस में प्रिविलेज यूजर के तौर पर कनेक्ट हो सकता है, उसको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड इन एनी केस, विंडोज में भी और लिनक्स में भी, आपको इसको डिसेबल करना होता है। एक दफा इंस्टॉलेशन को दोबारा से गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि आपको ये ऑप्शन मैं बता दूं, ठीक है, वो एक दफा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, वंस यू आर लॉग इन, अब आप लॉग इन हो गए, चाहे आप ओएस ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉग इन हुए चाहे आप पासवर्ड फाइल के थ्रू हुए। अच्छा, इसलिए तो कहा जाता है कि आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स अलग होने चाहिए और डीबीएज अलग होने चाहिए। अब एक ग्रुप का पार्ट अगर हम ओएस पे, अगर आप एक ग्रुप है उसका पार्ट किसी यूजर को बनाना है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कर सकता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि डीबीए ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ही इज ऑल इन ऑल। तो कभी भी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑडिटर्स के या लीस्ट प्रिविलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि योर डीबीए इज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज योर डीबीए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। तो अगर आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही आपका डीबीए है तो वो डेटाबेस में लॉग इन होकर कुछ भी करे, उसके ऑडिट के रिकॉर्ड आ रहे हैं ओएस के ऊपर किसी फाइल में और वो वहां से भी जाके उसको रिमूव कर दे, कोई भी मतलब वो ट्रैक नहीं कर सकता कोई कि आप उसने किसने क्या किया, ठीक है। अच्छा चलें, वो तो बात की बात है, जब सिक्योरिटी पे आएंगे तो उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। वंस आप लॉगिन हो गए, अगर डेटाबेस डाउन है तो आपको मैसेज आएगा कनेक्टेड टू एन आइडल इंस्टेंस, मींस कि आप कनेक्ट तो हो गए लेकिन डेटाबेस नहीं चल रहे, चलाने के लिए आपको स्टार्टअप, ये सिर्फ यूजर कर सकता है, ठीक है, स्टार्टअप की कमांड देंगे, वो मेमोरी एलोकेशंस करेगा, एसजीए बनाएगा, बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट करेगा, डेटाबेस तीन चार फेज स्टेप्स में स्टार्ट होगी। वंस आपको मैसेज आ जाए डेटाबेस ओपन, इट मींस कि आप नॉर्मल यूजर तो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक और चीज भी है जो आपने देखनी है। ये आज डिस्कस डेटाबेस सर्वर पे एक तो आपका इंस्टेंस होता है, ईएमसीटीएल थोड़ी रह गई अभी, वो पहले प्री रेक्विजिट जरूरी है ताकि आपको इस चीज से समझ आए, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस सर्वर पे एक तो हमने देखा जाए इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस दो चीजों से मिलकर बनता है,
एसजीएन बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। इसको तो हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया और आपको ये पता भी होना चाहिए, इसकी आपको कोई इश्यूज भी नहीं होने चाहिए सर, ठीक है। वो अभी नहीं डिस्कस हुआ, वो जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। एक तो इंस्टेंस है और एक और प्रोसेस रन हो रहा था जिसको कहते हैं लिसनर। इस पर पूरा एक चैप्टर है, मे बी नेक्स्ट चैप्टर या अगला चैप्टर है वो लिसनर के लिए। इसका काम यह है कि इनकमिंग रिक्वेस्ट, अब एक यूजर है क्लाइंट पे, वो कनेक्ट होना चाह रहा है डेटाबेस, वो यूजर नेम पासवर्ड देता है और आपकी डेटाबेस का नाम देता है, जो भी डेटाबेस का नाम। रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस सर्वर के ऊपर, सर्वर पे लिसनर विल बी द रिस्पॉन्सिबल जो कि उस रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा होगा। सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी कि मैंने फ्लॉन डेटाबेस से कनेक्ट करनी है, डेटाबेस का नाम लेट से ORCL है, मैंने कहा जी मैंने ORCL डेटाबेस से कनेक्ट करना। रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर पे लिसनर चल रहा होगा, लिसनर उसकी रिक्वेस्ट को सुनेगा, लिसनर देखेगा जी कि कौन सी डेटाबेस से कनेक्ट होना है ORCL। लिसनर के पास एक लिस्ट होगी, उसमें लिखा होगा कि वो कौन सी डेटाबेसिस के साथ कनेक्टिविटी करा सकता है, लेट्स उसमें लिखा हुआ है ORCL के साथ कनेक्टिविटी करा सकता है। वो क्या करेगा, ORCL के लिए एक सर्वर प्रोसेस बनाएगा, उस यूजर के लिए एक यूजर प्रोसेस ऑलरेडी बना होगा, इस यूजर प्रोसेस का एड्रेस लेगा, इसको सेंड कर देगा सर्वर प्रोसेस को। अब जब कनेक्टिविटी हो जाएगी उसके बाद की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसमें लिसनर इन्वॉल्व नहीं होगा। अब इस यूजर ने कोई क्यूरी लिखी, वो एंटर की, वो डायरेक्टली इस सर्वर प्रोसेस के पास जाएगी, वो एग्जीक्यूट करेगा और वापस इस यूजर को दे देगा। लिसनर पहली दफा सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व होगा, अगर लिसनर नहीं चल रहा यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता। ऑलरेडी जो कनेक्टेड यूजर्स हैं लिसनर के डाउन होने से उन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरप्राइज मैनेजर जो आपका है सर्वर के लिए एक यूजर प्रोसेस बनता है आपकी क्लाइंट मशीन पे, बाकी सब कुछ आपके सर्वर पे। हाँ, एक यूजर प्रोसेस होता है क्लाइंट मशीन पे, बाकी सब कुछ आपका सर्वर प्रोसेस, आपका SGA इंस्टेंस जो है वो सारा आपका सर्वर के ऊपर। ओके जी, क्लियर है जी। अच्छा, इंटरप्राइज मैनेजर जो, अच्छा ये जो एक चीज याद रखिएगा कि आपके यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस दो तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। एक तरीका है जी ओवर द नेटवर्क, कि ये ओवर द नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं तो ये अंडरलाइंग जो प्रोटोकॉल है आपका उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। हमारे केस में TCP/IP या 100% केस में TCP/IP ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपका जो यूजर प्रोसेस है वो भी उसी मशीन के ऊपर है जहां पे आपका डेटाबेस है, मीन्स कि आप उसी मशीन के ऊपर लॉग इन हुए हैं। हाँ, तो फिर उस केस में लिसनर इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर वो IPC के थ्रू आप उसमें कम्युनिकेट करेंगे। आप उसमें क्योंकि एक ही मेमोरी के अंदर है तो नेटवर्क तो इन्वॉल्व नहीं करना उसमें। सर, इसमें अगर हमारा डेडिकेटेड सर्वर मोड में है तो उसमें फिर नया सर्वर प्रोसेस कौन बनाएगा? लिसनर। इस केस में वैसे उसके वैसे तो बाय डिफॉल्ट लिसनर का काम है, लेकिन अगर आप सेम मशीन पे हैं तो, हाँ सेम मशीन के ऊपर है तो वो OS खुद क्रिएट कर देगा, OS खुद क्रिएट करेगा, वो लिसनर के पास नहीं जाएगी। लिसनर भी तो एक्चुअली बैकेंड पे OS को रिक्वेस्ट करता है, OS प्रोसेस बना के उसको देता है, ठीक है। इस केस में लिसनर इन्वॉल्व नहीं होगा, कुछ OS ट्रैक बना देगा क्योंकि IPC के थ्रू। अगर नहीं, अगर आप ये करते हैं ना सेम मशीन पे, आप करते हैं कि HR और @ और डेटाबेस का नाम दे देते हैं, फिर लिसनर इन्वॉल्व होगा सेम मशीन पे। फिर वो TNS नेम स्टार्ट होगा। IPC क्या एक प्रोसेस है? नहीं नहीं, ये आपके OS की कैपेबिलिटी है। ये वही चीज है। IPC क्या होता है, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस एक ही मेमोरी के अंदर है तो हाँ वो आपस में कम्युनिकेट ट्रैक कर रहे हैं, वो OS की कैपेबिलिटी है। नहीं, दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ OS, ठीक है। मल्टीपल डाटा देना है एक मशीन पे, हाँ। फिर तो आपको देना, फिर तो देखें, फिर तो दो ऑप्शन है ना, एक तो @ करके कनेक्ट कर लें, दूसरा ये ऑप्शन है कि ओरेकल _SID का एक वेरिएबल है वो सेट कर लें, वो सेट करेंगे। लेट्स से आपने ABC सेट कर दिया, अब SQL प्रोसेस के बाद इनवोक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो वो आपको इसी से कनेक्ट करा, ठीक है। अगर आप
ओरेकल सेट कुछ और सेट हुआ है, आप डेटाबेस किसी और से कनेक्ट होना चाहें फिर या तो एट द रेट करें या फिर इस वेरिएबल को चेंज करें, फिर लिस्टनर। और इन एनी केस अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा लिस्टनर के थ्रू जाए। इंटरप्राइज मैनेजर भी तो उसी में डिप्लॉय हुआ है, तो इंटरप्राइज मैनेजर वाया लिस्टनर डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो इसलिए जब आप इंटरप्राइज मैनेजर चलाना है तो आपका लिस्टनर भी चलता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिस्टनर का चला लेते हैं। अच्छा देखें, डेटाबेस मेरे पास चली है और ओपन हो गई है डेटाबेस। पहले लिसनर चला लें, पहले डेटाबेस चला लें, डजंट मैटर। ठीक है, लिसनर की एक यूटिलिटी है LSN RCTL, और उसको स्टार्ट कर दें। ये ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, LSN RCTL स्टेटस करेंगे, आपको उसका स्टेटस बता देगा। ये लिसनर के नाम से लिसनर है, ये एक इंस्टेंस है PTCL के नाम से, एक ORCL के नाम से, उनको ये मैनेज कर रहा है। अच्छा, आप ये देखना चाहें कि आपकी मशीन के ऊपर कितनी डेटाबेस इंस्टेंसेज हैं, उनके नाम क्या हैं जो चल रहे हैं, सब अप एंड रनिंग है। डाउन वाले को नाम को आपको डिफरेंट तरीका देखने का, कितने इंस्टेंसेज हैं जो सब चल रहे हैं उनके नाम क्या है। तो PS-EF5GrepPMon करने, तो मेरे पास एक इंस्टेंस चल रहा है PTCL का और उसका PMon का प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेसिस में जाके या सर्विसेज में जाके, उसमें विंडोज में सर्विसेज भी होती है ना, विंडोज में सर्विसेज भी होती है, तो उसमें उसकी उसमें ओरेकल के नाम पे होगा। हाँ, उसमें प्रोसेस भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सर्विसेज में जाके देखेंगे। तो PS-EF क्या करती है, ये OS की एक यूटिलिटी है लाइनिक्स यूनिक्स की, जो कि आपको सारे प्रोसेसेस लिस्ट डाउन करके देती है। ग्रेप की यूटिलिटी क्या करती है, सर्च करती है। पाइप की यूटिलिटी क्या करती है, रीडायरेक्शन करती है। अगर मैं सिंपली करूँ ना PS-EF, सिंपली इतना करूँ, ये सारे प्रोसेसेस मुझे दे देगा। अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूं, PS-EF, अब मैं चाहता हूं इसकी जो आउटपुट है इस कमांड की, वो किसी दूसरी कमांड को मिल जाए, तो पाइथन लगाऊंगा और आगे लेट्स से मैं सर्च करना चाहता हूं तो ग्रैप करूंगा, ग्रैप और आगे कोई दे दूंगा। लेट्स से PS-EF जो सारे प्रोसेसेस की लिस्ट निकालेगी वो ग्रैप की कमांड को दे देगी। ग्रैप की कमांड क्या करेगी, उसमें से सर्च करेगी, जहां पे PMon आ रहा होगा वो सिर्फ मुझे निकाल के, तो PMon दो जगह पे आ रहा है तो दो प्रोसेसेस में निकाल दी। तो इसमें से एक तो ये कमांड जो खुद चल रही है, एक तो वो उसने रिटर्न की है, और एक जो ये ओरा अंडरस्कोर PMon अंडरस्कोर PTCL का प्रोसेस चल रहा है, ये उसने रिटर्न किया। ठीक है, अच्छा जी, हमारा लिसनर भी चल रहा है, डेटाबेस भी चल गई है। अब इंटरप्राइज मैनेजर चलाते हैं, EMCTL स्टार्ट DB कंसोल, थोड़ा टाइम लेगा। EMCTL start DB console, EMDBL stop DB console, EMCTL status DB console, ठीक है। और अगर आपका enterprise manager काम करना बंद कर दे, usually इसमें bugs हैं बहुत सारे, थोड़ा सा सही चलता है फिर खराब हो जाता है, थोड़ा सा सही चलता है फिर मसला हो जाता है उसमें। इसकी एक यूटिलिटी है EMCA, enterprise manager configuration assistant, हाँ जैसे DBCA, लेकिन EMCA कमांड लाइन है सारा। DBCA तो ग्राफिकल है ना, EMCA कमांड लाइन है, उसके थ्रू आप ये जो इंटरप्राइज मैनेजर की रिपोजिटरी है ड्रॉप करके रिक्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, प्रोडक्शन डेटाबेस पे ये सिर्फ सिस मैन के, वो क्या है, वो इंटरप्राइज मैनेजर की रिपोजिटरी, ओवरऑल आपकी डेटाबेस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका। अपलोड भी है, अपलोड क्या होता है कि ये फाइल्स में जो ना डेटा कलेक्ट करके कुछ रख रहा होता है OS रिलेटेड, वो अपलोड करता है, वो अपलोड की मात्रा आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। देखें, आप इंटरप्राइज मैनेजर सिर्फ डेटाबेस को मैनेज नहीं कर रहा होता, आपकी OS की भी स्टैटिस्टिक्स आपको दे रहा होता है, CPU कंजम्पशन, मेमोरी कंजम्पशन, ये वो सब कुछ। वो OS पे आपका प्रोसेस चल रहा होता है, एजेंट चल रहा होता है, जिसका काम है OS की स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करना, एक फाइल में स्टोर करना, और फिर वो फाइल हर थोड़ी देर बाद डेटाबेस में लोड होती है टेबल्स में, ताकि वो आपको इंटरप्राइज मैनेजर में ग्राफिकली वो दिखाई दे। लेट्स से वो लोड नहीं हुई, कोई एरर आ गया तो आप खुद से लोड कर लेंगे EMCTL लोड। लेट्स से आपने डेटाबेस डाउन की, उसका स्टेटस छह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इंटरप्राइज मैनेजर में, तो आप इसको लोड कर लें ताकि वो रिफ्लेक्ट हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली जोर नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो EMCTL एनवायरमेंट आपने प्रॉपर सेट करनी है, आपकी ओरेकल सीट भी वही सेट होनी चाहिए, ओरेकल होम ये सारी चीजें सेट हैं, फिर आपने EMCTL स्टार्ट DB कंसोल करना है। उससे क्या होगा कि आपका इंटरप्राइज मैनेजर
स्टार्ट हो जाएगा, ईएम सीटीएल स्टॉप डीपी कंट्रोल करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, स्टेटस करेंगे तो आपको, और ये फिर यूआरएल भी आपको दिखाएगा कि आपकी डेटाबेस का यूआरएल क्या है हमारे केस में, कंट्रोल अबाउट एप्लीकेशन, ठीक है, हमारे केस में ये बता रहा है https://lnxdba.opendomain.:1158/em, यहां तक मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूं। और एक ब्राउजर ओपन करते हैं, हाँ कर देते हैं, अब वो क्लिक करें तब भी कर देगा, दे। सेमिनार है वो तो ठीक है, मतलब जाना चाहिए, क्लाउड के लिए किया देखिए क्या बताते हैं, क्लाउड के लिए किया देखिए क्या बताते हैं, प्राइस मेन्यू स्टार्ट हो गया, पहली दफा आप इसको एक्सेस करेंगे ना तो आपको ये मैसेज देगा सिक्योर कनेक्शन फेल्ड, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट यूज कर रहा होता है ना वो किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नहीं है, वो ओरेकल का अपना सर्टिफिकेट है, इसलिए वो ब्राउजर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने इसको क्या करना है, एक्सेप्शन ऐड करनी है, ऐड एक्सेप्शन, गेट सर्टिफिकेट, कन्फर्म सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ये एक दफा आपको करना पड़ेगा। मंथ आपने ये कर लिया तो ये आपको लॉग इन पेज पे ले जाएगा। स्टार्ट किया दिखा सकते क्या है सर, स्टार्टेड मैं आपको दिखा रहा, थोड़ा टाइम लेगा, और ये उसने मैसेज दिया कि इंटरप्राइज मैनेजर स्टार्टेड, इंटरप्राइज मैनेजर अगर आपका कभी मसला कर जाए स्टार्ट ना हो तो आपने ये emca-config db control db माइनस repos recreate, क्या उसे रिपोजिटरी रिक्रिएट करवा रहे हैं, ये रिपोजिटरी रिक्रिएट करेगा, एंटर करें, ये आपसे डिफरेंट चीजें मांगेगा, आपकी सबसे पहले तो सिड मांगेगा, सिड जैसे मेरे केस में मैंने आपको ps-ef करके दिखाया था, या इको डॉलर साइन ओरेकल सेट करके देखने आप, तो मेरे केस में PTCL है, यस करेंगे वो सिस मैन का पासवर्ड मांगेगा, सिस का पासवर्ड मांगेगा और क्रिएशन स्टार्ट करेगा। अगर किसी का पासवर्ड नहीं पता एक विंडो ओपन करें उसमें सबके पासवर्ड चेंज करें, सिस मैन यूजर का भी, सिस का भी, सिस्टम का भी, वो जिनके पासवर्ड मांगे उनके पासवर्ड दे दें, यस करें वो रिमूव करेगा, नए सर से क्रिएट कर देगा, स्टार्ट भी कर देगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल क्रैश कर जाता है, आपको रिक्रिएट करना होगा। अब इस मशीन पे रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इशू है, इसमें दोबारा से कॉन्फ़िगर करके देख लेता हूँ, सर लिसनर तो डिफॉल्ट जाना है। वो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आपने जो इंस्टॉलेशन का उसमें पासवर्ड ही होगी, नहीं पता तो चेंज कर लें उसका।
हाँ लिसन दोबारा कॉन्फ़िगर करके मैं डेटाबेस को स्टैटिकली रजिस्टर कर रहा हूँ ताकि सिड जो है नहीं नहीं डीबी नेम और सिड नेम एक ही चीज है ठीक है। देखिए आपके इंस्टेंस का नाम और आपकी डेटाबेस का नाम यूजली सेम होता है अगर सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस है और अगर आपकी रैक है तो उस केस में इंस्टेंस का नाम डिफरेंट होता है डेटाबेस का नाम डिफरेंट होता है तो अदरवाइज अगर सिंगल इंस्टेंस है तो सिड एंड डीबी इज द सेम थिंग। तब भी चल जाएगा रिफ्रेश करें तब भी चल जाएगा। ओके वंस योर एंटरप्राइज मैनेजर अप हो जाए ठीक है आपने स्टार्ट या स्टॉप ये स्टेटस से उसका यूआरएल देख लिया वो यूआरएल आपने ओपन किया ये आपको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने सिस या सिस्टम यूजर से लॉगिन होना है सिस से हुए तो आपने सिस डीबीए के तौर पर कनेक्ट होना है उसका पासवर्ड देना है पासवर्ड नहीं पता तो चेंज कर लें ओएस पे जाके ओएस ऑथेंटिकेशन से लॉगिन हो गया अल्टर यूजर यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय कोई पासवर्ड दे दें पासवर्ड चेंज हो जाएगा। एंड ये आपके पास जी इसका होम पेज है ये डिफरेंट आपके पास प्रॉपर्टी पेजेस हैं जिसमें डिटेल में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो सारा काम जो आप कमांड लाइन पे कर सकते हैं यूजर्स क्रिएशन से लेकर बैकअप रीस्टोरेशन एंड सो ऑन रिकवरी सब कुछ आप वेब बेस्ड माउस के थ्रू कर सकते हैं ठीक है। ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे हम इस पर खुश ना होइएगा ज्यादा काम हम कमांड लाइन से करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में आपको कमांड लाइन पे ज्यादा काम आना चाहिए ये तो सीख जाएंगे आप ठीक है। वैसे भी काम करेंगे ये इतना रिलायबल भी नहीं रिलायबल भी नहीं है लेकिन हर जगह ये भी हो भी ना कन्फिगर और अगर हो भी तो मे भी स्टेबल ना हो जैसे अभी मसला आ गया और अब आपको रिकनफिगर करना है 20 मिनट बैठेंगे रिकनफिगर होगा फिर जो इशू आया वो उसको फिक्स करेंगे ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप कमांड लाइन पे लगाएंगे फोकस करें ठीक है इसमें भी जरूर काम करें लेकिन इनिशियली कमांड लाइन पे फोकस करें। इसमें देखें आप सीपीयू कंजम्पशन एक्टिव सेशंस एसक्यूएल रिस्पांस टाइम्स डेटाबेस की डिटेल्स अगर उसके कोई इश्यूज हैं डायग्नोस्टिक्स के स्पेस रिलेटेड इश्यूज हाई अवेलेबिलिटीज के रिलेटेड परफॉर्मेंस सर्वर स्कीमा एंड सो ऑन ये जब हम इसको मैनेज करेंगे तो फिर देखिएगा बहुत सारी चीजें आप इंटरप्राइज मैनेज करते ऑलमोस्ट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन टास्क कैन बी परफॉर्म थ्रू द एंटरप्राइज मैनेजर ठीक है।
ठीक है, बहुत अच्छा टूल है, जरूर यूज करना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है इसको। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपने इसी के थ्रू करनी है, कमांड लाइन से वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पैकेजेस प्रोसीजर फंक्शन आपको यूज करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, तो ठीक है, आपने इसी के थ्रू सारी चीजें करनी है, मतलब इसको ये नहीं कि बिल्कुल इसको छोड़ देना, इसको भी इसके थ्रू भी चीजें मैनेज करनी है, और फिर हमें ग्रेड कंट्रोल को भी देख लेंगे, वो आपको चीजें मैं उसकी समझा दूंगा। अच्छा, इंटरप्राइज मैनेजर हर डेटाबेस का अपना है, एक ही मशीन के ऊपर अगर आपकी मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, जैसे चार डेटाबेसेस एक सर्वर के ऊपर हैं, तो चारों का इंटरप्राइज मैनेजर अलग अलग होगा, ठीक है। एक मे बी पोर्ट यूज कर रहा हो, जैसे हमारे केस में वो पोर्ट मुझे ये दिखा रहा है जी, मेरे केस में पोर्ट है 1158 है, तो दूसरी जो डेटाबेस होगी वो हो सकता है 5500 हो या 1159 हो, तीसरी डेटाबेस की 1160 हो, एंड ये खुद भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। देखें डिफरेंट चार डिफरेंट पेजेस खोलें, वो चारों में कनेक्ट हो जाए, हर डेटाबेस का इंटरप्राइज मैनेजर अपना होगा, चाहे वो एक ही मशीन के ऊपर है या वो मल्टीपल मशीन के ऊपर है। उसमें एक इशू है, इशू है कि आपके पास अगर इन्वायरमेंट में 20 डेटाबेसेस हैं, तो 20 डेटाबेसेस को आपने मैनेज करना है, तो 20 डिफरेंट यूआरएल है आपके पास, ठीक है। उसका हल ये है कि आप ग्रिड कंट्रोल कर लें। ग्रिड कंट्रोल ओरेकल की एक प्रोडक्ट है, एक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग प्रोडक्ट है, ग्रिड कंट्रोल एक अलग प्रोडक्ट है। ग्रिड कंट्रोल क्या करता है, वो भी इंटरप्राइज मैनेजर है, लेकिन उसमें वो आप एक सर्वर पे ग्रिड कंट्रोल इंस्टॉल करते हैं, और बाकी सारे जितने डेटाबेसेस हैं उनको उसका क्लाइंट बना रहे हैं, और ग्रिड कंट्रोल का एक यूआरएल है, आप वो यूआरएल एक्सेस करेंगे, मेन पेज पे आपको सारी डेटाबेसेस के वो दिखाएगा, ये डेटाबेसेस है, इस पे क्लिक करेंगे उसके होम पेज पे, ठीक है। तो ग्रिड कंट्रोल इज अ सेंट्रल मैनेजमेंट टूल, नॉट ओनली फॉर डेटाबेस, बट यू कैन मैनेज द नेटवर्क, यू कैन मैनेज स्टोरेज, यू कैन मैनेज ओएस, you can manage third party applications, you can manage third party database, you can manage third party databases, SQL servers manage कर सकते हैं, उसके DB tools manage कर सकते हैं, उसका इंटरफेस इसी तरह का है, लेकिन वो टूल अलग है, वो अलग से इंस्टॉल करना होगा। नहीं नहीं, वो आप डाउनलोड करके तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज करना है तो वो डेफिनेटली उसका लाइसेंस है। हाँ, वो अलग लाइसेंस है, वो अलग लाइसेंस है। अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इसके मुकाबले में वो एलटीपी में कोई डेटाबेस है इतना सिक्योर, रिलायबल और हाईली अवेलेबिलिटी कोई भी नहीं देता अभी तक, नहीं है, मे बी आगे देखें क्या होता है। नहीं नहीं, वो जीवन तो बहुत थोड़ा आगे दो चार साल हो जाएगा, ये भी अगले 15-20 साल बाद शायद हो सकता है, नहीं ये वाकई जो है ना जिस हिसाब से ऑरेकल इंक्वायर कर रहा है पता नहीं क्या बन जाएगा। देखें अब इसने ये सिर्फ ओरेकल स्टोरेज साइड पे भी आ गया है, ओरेकल हार्डवेयर साइड पे भी आ गया है, अब एक्सल डाटा लॉन्च कर दिया, एक्सल लॉन्च कर दिया, नहीं देखिए बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि अभी ओरेकल तो अभी आया है ना, टेरा डेटा कब देखें कब से, तो अगर इस तरीके से चलते रहे तो मे बी पॉसिबिलिटी है। देखें हुआ ये है कि एक्सल डाटा क्यों आया, जो टेरा डाटा का सीईओ था ना वो ओरेकल का सीईओ जाके बना, टेरा डाटा से निकला ना वो ओरेकल में चला गया, ओरेकल का सीईओ रहा, उन्होंने टेक्नोलॉजी इनको सारी दी थी, अब वो एक्सल डाटा लॉन्च तो कर दिया उन्होंने, डेफिनेटली मेच्योर होते फिर टाइम लगेगा, वो अब आ गया उनके पास एक चीज है, अब उसी तरह का उन्होंने जैसे सेल्स है वहां पे टेरा डाटा में उसी तरीके इसमें भी है। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि ओरेकल की डेटाबेस है, ओएलटीपी में भी वही चल रही है आपकी, और आपके वेयर हाउस में भी वही चल रही है, तो वो आपके वो जो इश्यूज आते हैं ना जो मैपिंग के वो डाटा माइग्रेशन के वो बहुत सारे बच्चे हैं, सॉल्यूशन को मैच्योर होने में हां थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चांसेस हैं कि ये मार्केट को कैप्चर कर लेगा। ओके, इस टूल पे आएंगे बड़ी डिटेल से, ठीक है, हो सकता है मेरे मुझे अपनी मशीन पे रिकन्फिगर करना पड़े, मे बी उसमें ही इश्यू हो, देख लेते हैं हम इस पे। ओके, देन है जी अदर टूल्स में है जी एसक्यूएल प्लस है जी, एसक्यूएल प्रो प्लस प्रोवाइड एडिशनल इंटरफेस टू योर डेटाबेस सो दैट यू कैन परफॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेशन सच एज यूजर क्रिएशन हो गया एंड सो ऑन, एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड्स टू क्यूरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड डेटा इनटू योर डेटाबेस, ये एसक्यूएल प्लस के थ्रू भी कर सकते हैं, ग्राफिकल वर्ल्ड कमांड थर्ड पार्टी टूल पे बहुत सारे इनके थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। एसक्यूएल डेवलपर ओरेकल का अपना टूल है, ग्राफिकल है, जैसे टोड किसी ने यूज किया हो या
पहले एसक्यूएल डेवलपर किसी ने यूज किया हो, ठीक है। इसी तरीके से एसक्यूएल डेवलपर भी ओरेकल का टूल है जो 11G ऑनवर्ड बाय डिफॉल्ट खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। 11G से पहले वाली डाटा बेसिस के साथ करना है तो वो आप डाउनलोड करके उसके साथ यूज कर सकते हैं। 11G ऑनवर्ड ये खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। 11G ऑनवर्ड अगर आपने हमने यूज किया था इसको एसक्यूएल के अंदर, 11G ऑनवर्ड डेटा बेसिस के साथ अगर आपने इसको यूज करना है तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा ओरेकल होम में। ओरेकल होम में एसक्यूएल डेवलपर के नाम से फोल्डर होगा, यहां पे ये इंस्टॉल होता है। मींस कि आपकी जहां पे ओरेकल इंस्टॉल्ड है वो आपका ओरेकल होम, ये हमारे मेरे केस में ये मेरा ओरेकल होम है, उसमें एसक्यूएल डेवलपर के नाम से फोल्डर, उसमें ये एक्जे फाइल है, ये विंडोज के लिए, विंडोज में एक्जी फाइलों की डबल क्लिक करेंगे एसक्यूएल डेवलपर ओपन हो जाएगा। लिनक्स यूनिक्स के लिए एसक्यूएल डेवलपर डॉट एस एच है, तो आप इसको इन्वोक करेंगे /sqldeveloper.sh, एसक्यूएल डेवलपर आपका ओपन हो जाएगा। वुड यू लाइक टू माइग्रेट सेटिंग्स फ्रॉम प्रीवियस रिलीजेस, नो, इसको नो या यस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, ठीक है। ये एक इंटरफेस है इसका एसक्यूएल डेवलपर का, इसमें आप कनेक्शंस बना सकते हैं। अभी फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ, मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूं, यहां पे कनेक्शन का कोई भी नाम दे दें, लेट्स से एचआर यूजर कनेक्शन का नाम दे देता हूं, यूजर का नाम एचआर है, पासवर्ड एचआर, और पासवर्ड सेव करना है, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन टाइप TNS कर लें, बेसिक करनी है तो आपको आपकी मशीन का नाम, जो जिस मशीन के ऊपर आपकी डेटाबेस सर्वर है, हमारे केस में तो यही है लोकल होस्ट देंगे, जिसमें कि पोर्ट नंबर और आपको उसका नाम देना पड़ेगा डेटाबेस का नाम, हमारे केस में डेटाबेस का नाम PTCL है, ठीक है। अगर मैं इसको TNS करता हूं तो फिर ये मुझे उसकी सर्विसेज बनी हुई मुझे दे देगा, PTCL के नाम से कोई सर्विस नहीं बनी हुई, ठीक है। तो मैं इसको बेसिक ही करना पड़ेगा, मैं इसको यहां पे करता हूं PTCL, मेरी जो फर्स्ट डेटाबेस बनी है वो PTCL के नाम से। जी जी हो रही है, टेस्ट करता हूं इसको, लिसनर पे मैं इशू है, लिसनर के लॉग फाइल देखते हैं क्यों इतना मसला कर रहा है। कोई भी नाम दे दें, ठीक है लोकल होस्ट दे दें, फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो बनी बना सकते हैं हम, ये बाय डिफॉल्ट एक सर्विस होती है जिस नाम से आपकी SID होती है ना, उसी नेम में से डेटाबेस की सर्विस होती है, उसको सेव कर लेते हैं, लेसन को बाउंस कर लेते हैं।
हाँ लिसनर किल करके दोबारा किए ना, वो लिसनर जो है ना हैंग कर गया, वो रिक्वेस्ट को सुन नहीं रहा। अब अपने पास चेक करें, जिसके पास लिसनर सही चल रहा है ना, जिसके पास रिसोर्सेज का इशू नहीं होगा ना, वहां पे सही चल जाएगा ये। आपके केस में डेटाबेस का नाम डिफरेंट होगा, पी एस माइनस ई एफ फाइव ग्रेप पी मॉन करके देख लें डेटाबेस किस नाम से है। PTCL, मेरे केस में PTCL है इंस्टेंस का नाम। आपके केस में ओरा अंडरस्कोर पी मॉन अंडरस्कोर एंड पे जो नाम होगा वो आपके डेटाबेस का नाम, मे बी ORCL हो या DB11G हो या जो भी हो। रिस्पॉन्स ही नहीं करता, मेमोरी कितनी है 1 GB पे नहीं चलती। वर्चुअल मशीन तो नहीं है आपकी, एक्चुअली तो 1 GB तो सारी तो अवेलेबल नहीं है ना उसको, अब उसमें से आधी OS में रख ली है। SGA का साइज आप इस तरह करें कि 200 MB से ज्यादा ना रखें, ठीक है, 200 MB से ज्यादा। मेरे केस में 600 MB है, तभी इसलिए मसला था। सो ये एक टूल है एसक्यूएल डेवलपर, इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग योर इंस्टेंस ऑफ ओरेकल डेटाबेस पोर्ट्स डेवलपमेंट इन बोथ एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल इज अवेलेबल इन द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल डेटाबेस। इसमें वो आपके पास लेफ्ट साइड पे वो पूरा वो हायरार्की है, उसमें आप बिल्ड डाउन कर सकते हैं, टेबल्स का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, नए टेबल्स ग्राफिकली बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो ओरेकल तो नहीं, नहीं नहीं ओरेकल तो इस पे आया है ना अभी, ग्राफिकल टूल पे अभी आया है। टोड बहुत अच्छे से टोड तो ऑसम चीज़ है, और टोड जो है ना DBAs का फेवरेट टूल है, फेवरेट टूल है DBAs का। बहुत सारे काम आपको इसमें तो बहुत बेसिक चीजें कर सकते हैं, उसमें तो आप बहुत एडवांस लेवल की चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। टोड थर्ड पार्टी टूल है, वो तो स्पेशलाइज्ड है ना इस पर्पज के लिए। टोड फॉर ओरेकल, टोड फॉर एसक्यूएल सर्वर, टोड फॉर DB2 एंड सो ऑन, ठीक है, देर आर स्पेशलाइज्ड और उनके मुकाबले का टोड है। तो जरूर इंकरेज किया जाता है, बहुत सारे एनवायरमेंट जो है ना वो उसको परचेज करके उसको यूज करते हैं। रीजन ये है कि वो उसमें बहुत सारे काम जो आप जो टाइम आपको लगेगा दूसरे टूल्स में आपको मैनुअली करते हुए आधा घंटा, वहां पे आपको क्लिक की बेस पे आप 1 सेकंड में काम करना। हाँ शुरू में आपको कमांड लाइन पे आना चाहिए और अल्टीमेटली किसी टाइम के ऊपर आपको टोड में जरूर जाना चाहिए। टोड में जरूर जाना है आपने, ठीक है, लेकिन ये है कि शुरू में थोड़ा सा टाइम आप कंसेप्ट क्लियर करें, खुद से करें, एसक्यूएल प्लस भी उनके ऊपर जितना काम कर सकते हैं करें। वंस आप यू आर कंफर्टेबल देन गो फॉर एनी ग्राफिकल टूल, लेकिन टोड पे जरूर चाहिएगा। वो एक और है यूनिक का स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट ऑन ओरेकल, बहुत अच्छा टूल वो ग्राफिकल लिए, जैसे आपको SGA पूरा दिखा रहा होता है कि डाटा कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है,
डेटा फाइल्स, यूजर फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, वो जो पूरा है, वो जो इमेज है ना जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाया था, वो सारा उसमें डेटा आ रहा है यूजर से कहाँ पे जा रहा है, रेटू लॉक फाइल में जा रहा है, डेटा बेस फाइल, वो सारा लाइव दिखा रहा होता है ग्राफिकली सिमुलेशन समय कहाँ पे वो उसी वक्त सारा दिखा रहा होता है ना, वो आपको दिखा रहा होता है कहाँ पे कितने स्पीड का इशू कहाँ पे है। लेट्स से वो रेड मार्क होना शुरू, ब्लिंक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे स्पीड का इशू, लेट्स से डेटा बेस राइटर मसला कर रहा है या लॉग पे कोई इशू है या डेटा फाइल्स में कोई इशू है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा फाइल में इशू है या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसने सीपीयू या मेमोरी ज्यादा लेना शुरू कर दिया है, वो एक हर थोड़ी देर बाद थ्रेशोल्ड वो आपको रेड कलर के दिखाना। मैं आपको मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैं कभी दिखा दूंगा आपको। स्पॉटलाइट मतलब मैं ज्यादातर काम मैनुअली करता हूँ लेकिन हर टूल जरूर यूज किया है। हाँ पड़ा था ठीक है, तो वो ऑफिस में वो लेके आना पड़ेगा मुझे, याद कराना पड़ेगा। वो ले आऊंगा, वो आपको दे दूंगा, तो बहुत अच्छा टूल है, उसको जोर यूज कीजिए। टोर तो क्यूरी का टूल है ना, वो जो है ना वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का टूल है आपका जो है स्पॉटलाइट, वो तो ग्राफिकली दिखा रहा होता है बस। ओरेकल कहता है एंटरप्राइज मैनेजर यूज करो, ठीक है, ओरेकल कहता है स्पॉटलाइट पे ना जाओ और एंटरप्राइज मैनेजर यूज करो, वो तो अपने जो डेवलप्ड प्रोडक्ट है उसकी उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट में यूज कराएंगे, उसके इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इनहांस करेंगे। लेकिन आप जो है ना बेसिक इंटरप्राइज मैनेजर भी यूज करें, लेकिन आप वो थर्ड पार्टी टूल भी उनको उनकी तरफ भी जरूर जाना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आप चेक करा दूंगा, अभी वो मुझे वो उसका टाइम लगेगा थोड़ा ना वो ओपन कर देंगे। अच्छा, एस्को प्लस तो हमने यूज किया हुआ है, अगर कोई इश्यू है किसी को तो ये रहते हैं। शेल स्क्रिप्ट में ये अभी फिलहाल नहीं करा रहा। टाइम क्या हुआ है, आगे चले या पैरामीटर फाइल, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल के अंदर आपकी डेटाबेस के सारे पैरामीटर होते हैं, एसजीए के, साइजिंग के, और उसके अलावा भी और बहुत सारे इंस्टेंस के एक्चुअली सारे पैरामीटर्स होते हैं। और ये दो तरह की फाइल्स होती हैं आपके पास पैरामीटर फाइल्स, दो तरह की फाइल्स हैं, एक होती है पी फाइल, उसको उसको इनिट भी कहते हैं, इनिट डॉट ओरा भी कहते हैं, या इनिट डॉट ओरा के नाम से भी होती है, पी फाइल डॉट ओरा के नाम से भी होती है, या फिर पी फाइल आगे आपकी डेटाबेस का नाम, लेट से वो आरसीएल आपकी डेटाबेस का नाम डॉट ओरा के नाम से होगी, या होगी इनिट इनिट ORCL, अगर आपकी डेटाबेस का नाम ORCL डॉटोरा के नाम से होगी। ये टेक्स्ट बेस्ड फाइल है, ये जितनी भी किसी भी नाम से होंगी ना ये टेक्स्ट फाइल है। सर ये इनिट और RCL के बीच में अंडरस्कोर नहीं आएगा? नहीं, अंडरस्कोर नहीं आता, इनिट और आगे आपकी डेटाबेस का नाम आता है। ये दिस इज टेक्स्ट बेस्ड फाइल, टेक्स्ट बेस्ड का क्या मतलब है, कुछ चेंजेस करनी है टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे, पैरामीटर सर्च करेंगे, चेंज करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। एक और फाइल है ये ओरेकल 8 आई तक ये यूज हुआ करती थी, पी फाइल या इनिट फाइल, या इसको पैरामीटर फाइल भी सिंपली कहते हैं। ओरेकल 9 आई ऑनवर्ड आपके पास एसपी फाइल है, इसका नाम होगा जी एसपी फाइल, आगे आपकी डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल ORCL डॉट ओरा के नाम से, या होगी एसपी फाइल डॉट और आगे नाम से। एसपी फाइल का मतलब है सर्वर पैरामीटर फाइल, और ये सिंपली पैरामीटर फाइल। अच्छा, ये जो टेक्स्ट बेस्ड फाइल है ये आपकी किसी भी लोकेशन पे हो सकती है, ओवर द नेटवर्क किसी जगह पड़ी हो सकती है, या फिर जो डाटा बेस सर्वर है उसमें किसी लोकेशन पे हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है। जबकि एसपी फाइल जो है वो हमेशा डाटा बेस सर्वर के ऊपर होगी, और ये हमेशा ओरेकल होम के अंदर DBS के फोल्डर में होगी, हमेशा ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में होगी। अगर आप इसको किसी और लोकेशन पे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको एक डिफॉल्ट एक फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें उस एक पैरामीटर स्पेसिफाई करके इस पैरामीटर फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे आप इसको रखना चाहते हैं जी स्लैश U01 में,
स्लैश ओरेकल का एक फोल्डर है वहां पे, तो बाय डिफॉल्ट तो इस लोकेशन पे होनी चाहिए। अगर नहीं है यहाँ पे तो फिर आप इसको लेट से इस लोकेशन पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक बना लेंगे जी पी फाइल डार्टोरा के नाम से एक फाइल, उसमें एक ही पैरामीटर होगा एसपी फाइल के नाम से, और एसपी फाइल इक्वल टू उसमें उस एसपी फाइल का पाथ और नाम होगा अगर आप उसको डिफॉल्ट लोकेशन के अलावा किसी और लोकेशन पे रखना चाहते हैं। एसपी फाइल डॉट आपकी एसपी फाइल आपकी मशीन, ये जो हाँ फाइल का नाम है एसपी फाइल होती है, हाँ फाइल का नाम पी फाइल, हाँ पी फाइल आपकी डेटाबेस का नाम है, सिंपली पी फाइल भी रख सकते हैं, इनमें से कोई भी नाम रख सकते हैं, पी फाइल आपकी डेटाबेस का नाम, इनिट या इनिट और आपकी डेटाबेस का नाम, इनमें से कोई नाम रख सकते हैं, यूजली पी फाइल आपकी डेटाबेस का नाम होता है वो रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा दोनों में फाइल्स में डिफरेंस क्या है, आपकी एक इन्वायरमेंट में दोनों फाइल्स पड़ी हो सकती हैं, हो सकता है आपके पास पी फाइल डॉट आपकी डेटाबेस का नाम डॉट ओरा के नाम से फाइल भी हो, इनिट डॉट ओरा के नाम से भी हो, पी फाइल ओरा के नाम से भी हो, एसपी फाइल ओआरसीएल आपकी एसपी फाइल आपकी डेटाबेस का नाम डॉट ओरा के नाम से भी फाइल हो, बाय डिफॉल्ट आपका डेटाबेस एसपी फाइल को यूज करता है, ठीक है। एसपी फाइल एक बाइनरी फाइल है, आप इसको ओपन करके रीड तो कर सकते हैं लेकिन इसको ओपन करके मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ओपन कर लिया आपने एडिटर में मॉडिफिकेशन कर दी फाइल क्राफ्ट हो जाएगी, इस फाइल में अगर आपने कोई पैरामीटर चेंज करना है तो कमांड के थ्रू करना है, एसक्यूएल प्लस के थ्रू करना है, रीड हो जाती है, हाँ रीड हो जाती है, ओपन करके रीड करें बगैर कोई चेंजेस किए हुए बंद करते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन ओपन करके आपने चेंज होते हैं, हाँ होते हैं लेकिन यूजली नहीं होती, ठीक है। तो एसपी फाइल बाइनरी है, इसकी इसमें जितने भी चेंजेस करेंगे वो एसक्यूएल प्लस के थ्रू करेंगे, लॉग इन होंगे, दो यूजर हैं इसमें चेंजेस कर सकते हैं सिस या सिस्टम, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास एसपी फाइल भी पड़ी हुई है और आपके पास पी फाइल भी एक लोकेशन पे पड़ी हुई है उसी फोल्डर में डीबीएस के फोल्डर में, तो ओरेकल जो है एसपी फाइल को प्रेफरेंस देगा, उसको यूज करते हुए डेटाबेस स्टार्टअप होगा, पी फाइल से नहीं होगी, और एसपी फाइल में अगर आपने कोई चेंजेस की तो ऑटोमेटिकली पी फाइल में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, या अगर आपकी डेटाबेस पी फाइल से स्टार्ट हुई और आपने कोई पैरामीटर्स में चेंज किया तो एसपी फाइल में वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं होगा, ये दोनों स्टैंड ऑन अलग अलग फाइल्स हैं, और आपने एसपी फाइल भी यूज कर रहे हैं पी फाइल भी आपके पास मेंटेन कर रहे हैं, एसपी फाइल में आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो पी फाइल में आपको खुद करनी पड़ेगी, सिंक नहीं होगी, सिंक आपस में नहीं होगी, और एसपी फाइल से पी फाइल बनाई जा सकती है और वाइस वर्सा पी फाइल से एसपी फाइल भी बनाई जा सकती है, पी फाइल आप हाँ देखें आप ये भी हो सकता है आपके डेटाबेस में कोई इशू आया और एसपी फाइल करप्ट होगी डिलीट होगी ड्रॉप होगी कुछ भी होगी कुछ भी नहीं आपके पास, अब क्या करें एक एडिटर ओपन करें जो जो मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं वो उसमें लिखें उनके वैल्यूज दें और वो सेव करें आप फाइल किसी भी नाम से पी फाइल के नाम से या माई फाइल के नाम से या ए बी सी के नाम से किसी भी नाम से भी डॉट एक्सटेंशन जो मर्जी दे दें और फिर उसको यूज करते हुए उससे एसपी फाइल बना दें अभी देख लेते हैं ठीक है। एसपी फाइल पड़ी नहीं पी फाइल पड़ी है तो हाँ हाँ हो जाएगी अभी जरा देखते हैं अभी ये सारा काम करके देखें। अच्छा दो तरह की फाइल्स होती हैं पी फाइल या एसपी फाइल, एक होती है बेसिक, बेसिक का मतलब है डिफॉल्ट सारी चीजें उसमें जो बाय इंस्टॉलेशन के पास जो सेटिंग्स थी वही यूज हो रही है, एडवांस का मतलब है आपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई किया हुआ है, डिफरेंट जो पैरामीटर डिफॉल्ट में नहीं सेट हुए थे आपने वो भी सेट किए हुए हैं, जो डिफॉल्ट सेट हुए थे उनको भी आपने मॉडिफाई करके अपने हिसाब से सेट कर लिया हुआ है वो एडवांस पैरामीटर फाइल के अंदर। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं पैरामीटर फाइल के अंदर, कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से पैरामीटर, उसमें ये मैंडेटरी पैरामीटर है उसमें कंट्रोल फाइल के नाम और पाथ देते हैं आप, डीबी फाइल्स मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डाटा फाइल्स हो सकती हैं, प्रोसेसेस मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं आपकी डेटाबेस में एट अ टाइम, जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस और सर्वर प्रोसेसेस है जो डीबीसीए चलाते पास भी मैंने आपको बताया था ठीक है, डीबी ब्लॉक साइज चेंज नहीं हो सकता ये पैरामीटर, डेटाबेस का ब्लॉक साइज बाइट्स में आपको दिखाएगा, डीबी कैशे साइज आपकी बफर कैशे का साइज बाइट्स में आपको दिखाएगा, एंड सो बहुत सारे पैरामीटर्स ठीक है, पीजीए एग्रीगेट टारगेट वो जो पीजीए सेंट्रल पीजीए जहां पे आपकी मेमोरी जहां सॉर्टिंग और ज्वाइंस होंगे, शेयर्ड पूल साइज अनडू मैनेजमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स। अच्छा यहां पे अभी इस चैप्टर में हमारा पर्पज इन पैरामीटर्स को समझना नहीं है, अभी सिस्टम पर्पज ये है कि पैरामीटर को व्यू कैसे करते हैं चेंज कैसे करते हैं ठीक है, सिर्फ ये पर्पज है कौन सा पैरामीटर क्या करता है वी डोंट केयर अबाउट दिस एट दिस लेवल ठीक है, हर चैप्टर में आगे कुछ पैरामीटर्स आएंगे और वो सारे पैरामीटर्स कवर होंगे, अब भी सिर्फ आपने ये
एम्फेसिस करना है कि पैरामीटर देखना कैसे, वो पैरामीटर की चेंज वैल्यू चेंज कैसे करना है, वो पैरामीटर क्या करता है, उससे क्या होगा, अभी हम वो डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, पैरामीटर देखते कैसे, स्कूल क्लास में आप कनेक्ट हो जाए सिस से या सिस्टम से, और शो पैरामीटर की कमांड, शो पैरामीटर, आगे पैरामीटर का नाम देते, लेट्स से मैं करता हूं शेड अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज, तो ये मुझे शेड पूल का साइज दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, मींस के डेटाबेस में हम मैनुअली हमने सेट नहीं किया, मैं करता हूं शो पैरामीटर कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स, तो मैं दिखा रहा जी कंट्रोल फाइल्स कितनी है और कहां पे पड़ी हुई है, उनके लोकेशन दिखा नाम दिखा, शो पैरामीटर और पैरामीटर का नाम दे दो, या आपको पैरामीटर का नाम नहीं पता तो आप सिंपली करें शो पैरामीटर, लेट से आप चाहते हैं जी पैरामीटर में किसी भी जगह लेट से आता है जी ब्लॉक, ऐसे सारे पैरामीटर जिनमें किसी भी जगह ब्लॉक आता है वो सारे आपको दिखा दो, लेकिन ये मेमोरी में से SGM इंस्टेंस में से, इंस्टेंस में सारी इन्फॉर्मेशन लोड हुई है ना बफर में, हाँ जी, तो या फिर पैरामीटर फाइल में से, दो जगह, या तो SP फाइल में से या फिर ये इंस्टेंस में से लेकर, इसी तरीके से शो पैरामीटर पूल, ऐसे सारे पैरामीटर जिनमें किसी भी जगह पूल आता है वो सारे दिखा देगा, सिंपली शो पैरामीटर करें सारे पैरामीटर आपको दिखा देगा, शो पैरामीटर एक शो या दो, सेम है, शो को SHOW भी लिखा जा सकता है और SHO भी लिखा जा सकता है, ठीक है, एब्रीविएट करके उसको लिख सकते हैं, तो पैरामीटर देखना आ गया आपको, मैं ये देखना चाहूँ मेरी डेटाबेस SP फाइल से स्टार्ट हुई है या PE फाइल से हुई है, शो पैरामीटर SP फाइल, तो अगर आपको वैल्यू के कॉलम में कोई वैल्यू नजर आ जाए तो इसका मतलब SP फाइल से हुई है, और वैल्यू के कॉलम में कोई वैल्यू ना नजर आए एम्प्टी हो तो इसका मतलब पी फाइल से हुई है, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब देखते हैं जरा स्टार्टअप बिहेवियर देखते हैं, चेंज पैरामीटर चेंज कैसे करते हैं वो इसके बाद आते हैं जरा, इसके पहले देखते हैं जी स्टार्टअप कैसे होता है। अच्छा, डेटाबेस आपकी स्टेजेस में स्टार्ट होती है, इनिशियली आपकी डेटाबेस लेट से डाउन है, योर डेटाबेस इज डाउन, आप कनेक्ट हुए, उसने मैसेज दिया कनेक्टेड टू आइडल इंस्टेंस, सिस यूजर से कनेक्ट हुए, आपने स्टार्टअप की कमांड दी, सिंपली स्टार्ट, स्टार्टअप की कमांड दी, डेटाबेस जाएगी सबसे पहले नो अमाउंट स्टेज पे, और नो अमाउंट स्टेज पे जाने के लिए डेटाबेस पैरामीटर फाइल क्रिएट करेगी, SP फाइल या P फाइल, प्रेसिडेंस किसकी होगी, SP फाइल की, अगर SP फाइल आपकी डेटाबेस का नाम डॉट ओरा के नाम से फाइल मिलती है उसको यूज कर लेगा, नहीं मिलती SP फाइल डॉट ओरा के नाम से फाइल मिलती है उसको यूज कर लेगा, नहीं मिलती P फाइल आपकी डेटाबेस का नाम से फाइल होगी उसको यूज कर लेगा, नहीं मिलती P फाइल डॉट ओरा के नाम से फाइल यूज कर लेगा, नहीं मिलती init आपकी डेटाबेस का नाम डॉट ओरा के नाम से फाइल होगी उसको यूज कर लेगा, नहीं मिलती init डॉट ओरा के नाम से फाइल होगी उसको यूज कर लेगा, नहीं मिलती एरर होगी, आप बता भी सकते, अगर आप SP फाइल के केस में तो आप नहीं बता सकते, SP फाइल अगर SP फाइल है तो उस केस में आप बता देंगे, स्टार्टअप और P फाइल ऐसे डिफॉल्ट लोकेशन पे नहीं है, अगर आपकी ये उस केस में ये कहां पे जाके फाइल पड़ेगा, ये फाइल आपकी पड़ेगा Oracle होम में, DBS के फोल्डर में, इस लोकेशन में अगर नहीं है कोई फाइल, आपके पास ये फाइल है इनिट फाइल है लेकिन वो होम Oracle में पड़ी हुई है तो उससे स्टार्टअप डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, वो एरर दे देगा, लेट से आपके पास SP फाइल नहीं है, आपने P फाइल खुद बनाई है और वो होम Oracle पे रखी है, तो फिर आप देखें देंगे स्टार्टअप P फाइल इक्वल्स टू सिंगल कोर्स में उस P फाइल का पाथ होना, जो भी एक्सटेंशन आपने उसके रखी है,
उसको यूज करते हुए स्टार्टअप करेंगे। अच्छा, इसके साथ अगर हम आगे नो नोट वगैरह लिखेंगे फुल एंड तक ले जाएंगे, एंड पे लेंगे। सर एक बात बोल रहे हैं कि एसपी फाइल के होते हुए भी हम टी फाइल से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप उस केस में पास दे दें, नाम देने पास, ठीक है, टी फाइल इक्वल टू पी फाइल का नाम और पास दे दें, उससे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए अभी भी है। दूसरा ये है कि समटाइम्स ये होता है कि आप पैरामीटर चेंज करते हैं, एसपी फाइल में करप्ट हो जाती है, चेंज ही नहीं होता पैरामीटर। ये होता है कि आप एसपी फाइल से पी फाइल बना लें, उसको मैन्युअली पैरामीटर चेंज करें, उसको सेव करें, फिर दोबारा पी फाइल से एसपी फाइल बना लें। बाय डिफॉल्ट खुद ही बन जाती है, जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसकी एसपी फाइल खुद ही बन जाएगी। एसपी फाइल उसकी डेटाबेस का नाम डॉट ओआरजी के नाम से हम काफी कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, लेट से मैं चाहता हूँ कि आप एसपी फाइल का बैकअप ले लूँ, इनकेस अगर खुदा ना खास्ता कभी करप्ट हो जाए तो मेरे पास और एक तो तरीका है कि इस लोकेशन पे जाके इसको मैं कॉपी कर लूँ। दूसरा तरीका मैं करूँगी क्रिएट पी फाइल इक्वल्स टू स्लैश होम स्लैश ओरेकल स्लैश पी फाइल पीटीसीएल डॉट टीएक्सटी या डॉट ओरा, जो मर्जी एक्सटेंशन दे दें फ्रॉम एसपी फाइल। अब ये मैंने बैकअप हो गया, आप इस तरीके से सिंक्रोनाइज रखना चाहते हैं या बैकअप रखना चाहते हैं, इस फाइल को कॉपी करके अपने पास रखें। अब उससे दोबारा से आपके पास एसपी फाइल ड्रॉप हो जाती है, डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है। अब उस क्रिएट एसपी फाइल, एसपी फाइल के केस में आपको पाथ नहीं लेना पड़ेगा, आप करेंगे क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल इक्वल्स टू जहां पर पड़ी उसका पाथ वो नाम देंगे। एसपी फाइल कहां में बनेगी, डीबीएस के फोल्डर में, ठीक है। देख सकते हैं आप शो पैरामीटर करके जो देख रहे हैं वो वहीं से देख रहे हैं आप, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये उसमें देखें पी फाइल बनाई है, मैं इसको जी एडिट करता हूँ। ये पैरामीटर्स हैं सारे, कैशियर साइज है, ये डिफरेंट ऑडिट का है, कंपेटिबल का पैरामीटर है, डीपी ब्लॉक साइज है, डेटाबेस का नाम है, इंस्टेंस का नाम होगा, प्रोसेसेस कितने हो सकते हैं, अनडू टेबल स्पेस कौन सी, ये पैरामीटर अभी करते क्या है, ये क्या है अभी उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसमें होते हैं पैरामीटर्स हैं सारे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, सबसे पहले जब आप स्टार्टअप करेंगे तो सबसे पहले ये फाइल रीड होगी। आपने स्टार्टअप करते वक्त खुद से पैरामीटर फाइल दे दी या सिंपली स्टार्टअप लिख दिया, सिंपली स्टार्टअप लिख दिया तो इट मीन्स के देर शुड बी वन फाइल इन डीबीएस फोल्डर, और अगर होम के डीबीएस फोल्डर में या तो एसपी फाइल होनी चाहिए या पी फाइल होनी चाहिए, ताकि वो उसको यूज करते हुए स्टार्टअप करेगा, उसको यूज करेगा, उसमें लिखा हुआ है जी मेमोरी एरिया इतना होना चाहिए, वो सब कंपोनेंट्स उसके इतने होने चाहिए, उनके ये साइज होने चाहिए। जैसे ही इसको रीड करेगा ये मेमोरी एक एरिया आपको पाई कर लेगा एसजीएच, हाँ जी। जैसे ही डेटाबेस स्टेज पे आ जाएगी, इंस्टेंस जब क्रिएट हो जाएगा, एसजीए के सब कंपोनेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, बैकग्राउंड प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे, इट इज सेड कि योर डेटाबेस इज इन is at no mount stage, that means no mount stage पे आ जाएगी। स्टेजेस पे लेके जाने का purpose क्या है कि different stages पे different तरह के administrative task perform कर सकते हैं। Sometimes required होता है कि आप database को no mount stage पे रखें, ठीक है। अच्छा, more later on discuss करेंगे हम। No mount से database जाती है जी next stage पे, so that stage is mount। Mount पे जाने के लिए database control file को create करती है। कंट्रोल फाइल को हमने पढ़ा था ना, कंट्रोल फाइल एस पी फाइल के या पी फाइल में, उसमें उसका पैरामीटर है, उसका उसका पाथ नाम है, कंट्रोल फाइल का ऑलरेडी उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो उसको जाके रीड करेगी, ओपन करेगी कंट्रोल फाइल को, वो डेटाबेस माउंट स्टेज पे चली जाएगी। नाउ योर डेटाबेस इज एट माउंट स्टेज, माउंट स्टेज पे दो चीजें एक्सेसिबल होंगी, एक होगा इंस्टेंस, दूसरा कंट्रोल फाइल। नहीं, डाटा डिक्शन अभी नहीं आई, वो डेटा फाइल्स के अंदर होगा, अभी डेटा फाइल अटैच ही नहीं, और भी ओपन ही नहीं, अभी सिर्फ दो चीजें एक्सेसिबल है, एक आपकी डेटाबेस का इंस्टेंस और दूसरा कंट्रोल फाइल, ठीक है। नाउ द डेटाबेस द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू गो फॉर द ओपन स्टेज, डेटाबेस ओपन स्टेज पे जाएगा। इस स्टेज पे जाने के लिए सारी डेटा फाइल्स और रीड लॉग फाइल्स रीड राइट मोड में ओपन की जाएंगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा। को कैसे पता चलेगा डेटा फाइल्स कहाँ पे, रीड लॉग फाइल्स कहाँ पे, कंट्रोल फाइल्स, क्योंकि कंट्रोल फाइल में उनके नाम और पाथ, एससीएन चेक पॉइंट नंबर, सारी चीजें पड़ेंगी, वहां से जाके ओपन होंगे। जब अगर इफ एवरीथिंग इज ओके, डेटाबेस ओपन स्टेज पे चली जाएगी, जब ओपन स्टेज पे होगी तो डेटाबेस के साथ आपकी
डेटा फाइल्स भी अटैच हो जाएंगी, रीडू लॉग फाइल्स भी अटैच हो जाएंगी। कंट्रोल फाइल रीड की जा सकती है बाइनरी, ये डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल्स सारी बाइनरी फाइल है। आप इनको ओपन करके रीड करेंगे गार्बेज नजर आएगा, ये डेटाबेस के थ्रू ही आगे इनको रीड कर सकते हैं। एसक्यूएल प्लस के थ्रू या डेटाबेस के थ्रू ही इनको रीड किया जा सकता है, व्यूज है इनके ऊपर, आप इनको डायरेक्ट जाके रीड नहीं कर सकते, नो मॉडिफाई कर सकते। ठीक है जी सर, ये नो माउंट की डिपेंड किया जाता है, नो माउंट के ऊपर सिर्फ इंस्टेंस होगा, माउंट के ऊपर इंस्टेंस प्लस कंट्रोल होगी, ओपन पे आपकी डाटा फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स भी सारी होंगी। इसीलिए आपकी डाटा फाइल्स के, आपकी डाटा डिक्शनरी कहाँ पे होगी, आपका डाटा कहाँ पे होगा, डाटा फाइल्स के अंदर। इसलिए अगर आपकी डेटाबेस माउंट स्टेज पे अगर या नो माउंट पे या माउंट पे, तो उस केस में नॉर्मल यूजर कनेक्ट नहीं हो सकेंगे डेटाबेस के साथ। रीजन क्या है कि वो डाटा, उनकी जो ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन है वो डाटा फाइल्स के अंदर है, और डाटा फाइल्स जो डेटाबेस के साथ अटैच होती है वो ओपन स्टेज पे होती है। जी बस अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं स्टार्टअप नो माउंट, स्टार्टअप होगा लेकिन नो माउंट तक रुक जाएगा। आप कर सकते हैं स्टार्टअप माउंट, स्टार्टअप होगा लेकिन माउंट स्टेज पे रुक जाएगा, सिंपली स्टार्टअप करेंगे तो ओपन स्टेज पे जाकर रुकेगा। आप ये कर सकते हैं स्टार्टअप नो माउंट, नो माउंट पे चला गया काम आपने अपना किया, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं अल्टर डेटाबेस माउंट, फिर अल्टर डेटाबेस ओपन, और इसी तरीके से रिवर्स भी आया जा सकता है। स्टार्टअप हमने डिस्कस कर लिया, शट डाउन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और पैरामीटर चेंज करना देखेंगे, और फिर वो जो डिफरेंट होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये तो यहाँ पे इसको रिकवरी है, आपकी डेटाबेस को आर्काइव